بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على عداه مجمعين وعجل اللهم فرجه مولانا صاحب الزمان Respected brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله. Thank you very much for joining. आज नबियों को जानो सीरीज के एपिसोड फोर में हम हज़रत नू अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे जो हमारे सबसे पहले उलुल अज्म नबी है इस सीरीज में जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं हजरत नू अलैहिस्सलाम के बारे में अलग अलग उनके अलग अलग नाम बताए गए अलग अलग अहदीस पे जैसे कि सकर अब्दुल गफ्फार अबुल अहा अब्दुल मलिक ऐसे अलग अलग नाम है लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिरिया करते थे इसीलिए उनका नाम जो है नू हो गया जनाबे नू अलैहिस्सलाम जो है कारपेंटर थे जिनका ब्रिटिश कंप्लेक्शन था उनकी टोटल उम्र 2500 इयर्स थी ढाई हजार साल तक जो है जनाब नू अलम की जिंदगी थी उनको नबुवत जो मिली वो है 800 हंड्रेड ईयर्स पे उसके बाद जनाब नू अलम ने प्रीच करना शुरू किया और उन्होंने 950 हंड्रेड ईयर्स तक जो है उन्होंने तबलीक की पहले तबलीग की तब जो है लोगों ने जो है उन पर पत्थर मारे उनके सर पर डंडे मारे उनको बहुत अजियतें दी और जनाब नू असल्लाम नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स तबलीग करने के बाद भी सिर्फ कुछ को जो है वो जमा कर पाए उसके बाद जब लोगों ने बहुत सताया तब अल्लाह से उन्होंने दुआ की कि इन पर अजाब ना जिलो तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा फरिश्तों ने रिक्वेस्ट की थ्री हंड्रेड ईयर्स के लिए और पोस्टपोन कर दिया फिर उन्होंने दुआ की फिर थ्री हंड्रेड ईयर्स के लिए पोस्टपोन कर दिया उसके बाद जब, जब जनाब नू आलाम परेशान हो गए तो उन्होंने कहा अब जो है मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता तो अल्लाह ने कहा ठीक है अब तुम झाड़ उगाओ और उस झाड़ से जो है जब लकड़ियां होगी तब तुम शिव बनाना जिससे मैं जो है इन सबके ऊपर गुना नाजिल करूंगा कई मोमिन ऐसे थे जो झाड़ उगा उन्हें लगा कि अब जो है उन पर इन लोगों पर अजाब आएगा और हमें निजात मिलेगी लेकिन जब झाड़ उगा तो अल्लाह ने कहा फिर से एक एक और जो है बैच का झाड़ उगाओ तो कुछ जो है मोमिन वो निकल गए और इस तरह जब तक शिव बनी एकदम आखिर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ मोमिन बचे उसके बाद अल्लाह ने जो है जब शिप बन गई तब अल्लाह ने अहलबैतलात वसलाम के नाम की तख्ती भेजी जनाब जब के पास कुछ रवायत में एक कीले भेजी और उन कीलों या उस तख्ती को जो अहलबैतम के नाम के साथ थी उसे शिप पर लगाया गया जिससे जो है वो शिप को निजात मिल गई अब जब शिप बन गई अहलबैतम के नाम उस पर आ गए तब जो है अल्लाह ने जनाब नू को हुक्म दिया कि जितने बिलीवर्स है जितने मु है सबको शिप में ले आओ जितने एनिमल्स हैं उन सबके एक एक पैर को जो है तुम जो है शिप में ले आओ जनाब नू के यहां जो है जो गुफा में घर था उस घर में तंदूर में से जहां से तंदूर था उसमें से जो है पानी निकलना शुरू हुआ अल्लाह ने कहा यह साइन है तुम जो है लोगों को जो है जमा करना शुरू करो जब सब शिप में जमा हो गए जमीन से पानी निकलता गया आसमान से पानी बरसता गया जितने कुफ्वार थे उन्होंने कहा कि हम बच जाएंगे इंक्लूडिंग जनाबे नूह का बेटा जो जिसने कहा कि मैं जो है सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा वहां मैं नहीं डूबूंगा जैसे ही अल्लाह ने यह सुना अल्लाह ने उस पहाड़ से कहा क्या तू मेरे नाफरमान बंदे को अपने ऊपर देगा इमीजिएटली वो पहाड़ जो है टूट गया पानी में जनाबे नू का बेटा जो है डूबकर मर गया अब ये शिप चली और जब ये शिप चली तो 40 दिन तक कंटिन्यूस जो है बारिश हुई अब 40 दिन की बारिश के, बारिश के बाद सारे लोग डूब गए सिर्फ अहदीस में मौजूद है कि जो खाना काबा की जमीन थी वो जो है एलिवेट हो गए और बाकी जितनी जमीन थी वो सब के सब जो है पहाड़ों पहाड़ों सब सब जो है पानी के अंदर डूबकर सारे जितने अल्लाह के नाफरमान थे वो सब जो है कत्ल हो गए अजाब में डूब कर मर गए और सिर्फ और सिर्फ जो है मिनीन बचे और मिनीन की तादाद अहदीस में बताई जाती है सेवन एट्टी बिलीवर्स साढ़े नौ सौ साल तबलीग करने के बाद नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी तबलीग करने के बाद सिर्फ सेवेंटी या एट्टी लोग नहीं जनाब नूह में जो है ईमान लाए। जब चालीस दिन हो गए पानी जो है अल्लाह के हुक्म से सारा पानी जमीन में चला गया और नदियों में बह गया और सब सेटल हो गया माउंट जूदी पर जो है जनाबे नूसलाम की शिप आकर रुकी और वहां से जनाबेन ने जो बिलीवर्स थे उनकी शादियां हुई और उनसे जो है जनरेशन आगे बढ़ी जनाब नू के बेटे जनाब उनके जो है जानशीन बने और जनाबिन नू से जो है ये आगे सिलसिला चला